वेलकम वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज आप सब ठीक होंगे। और आज का व्लॉग आपको याद है हमने पिछली दफ़ा एक दफ़ा आपको दिखाया था, हमने ना रामेन ट्राई किए थे, वो हमने आपको दिखाया था। आज भी वैसा ही व्लॉग होने वाला है। और ये देखिए खाना। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम ट्राई करने जा रहे हैं इंडोमी का हॉट एंड स्पाइसी फ्लेवर। हमने मी गोरेंग ट्राई किया था, दैट वॉज नॉट आवर फेवरेट, क्योंकि जो हम खाते हैं दैट्स द ऑरेंज वन एंड इट्स सो अमेजिंग, यू हैव टू ट्राई इट। पाकिस्तान में वैसे बहुत डिफरेंट फ्लेवर्स मिलते हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान में वैरायटी ज्यादा है। यस, यहाँ पे फिर भी अच्छी है, लेकिन पाकिस्तान में ज्यादा है हर चीज की। तो अभी हम हॉट एंड स्पाइसी खाने लग गए हैं। फ्रेंड्स, अभी मैं ये रिमल को ना इसके सब जो मसाले हैं वो निकाल के, सॉसेज और ऑयल और हर चीज निकाल के, देखिए इस फ्लेवर में है फ्राइड अनियन, सोया सॉस, ऑयल, चिली ऑयल। तो अब ये निकाल के तो रिमल को एक जगह करके दे रही हूँ ताकि फिर इसके लिए इजी हो जाए बनाना। तो चलें जी, बस अब ये करते हैं थोड़ा काम और आपको भी दिखाएंगे फ्लेवर। वैसे ये आई होप मज़े का हो, क्योंकि यहाँ नूडल्स की वैरायटी वाकई बहुत कम है। तो हम सिर्फ एक ही स्पेशल चिकन फ्लेवर है ना जो इंडोमी का, तो सिर्फ वही खाते हैं फिर, क्योंकि वो एक अच्छा है। गाइस देखिए हमारा अंडा शानी ऐसे ही पड़ा है बेचारा। हमने ये स्नैक एज अ स्नैक खाया था चाय के साथ, और ये बहुत मजे के शामी बने हुए हैं फ्रेंड्स, बहुत मजे के। इसकी रेसिपी चाहिए तो हमसे आप चैनल पे डाली हुई है, आप लोग जरूर देखें, वहाँ पे चैनल पे इनकी रेसिपी हमने डाल रखी है, अपलोड की हुई है पहले। तो बिल्कुल वैसे ट्राई करें, आप लोगों को इंशाल्लाह मजा ही आएगा, क्योंकि बहुत रियली बहुत मजे के शामी ये बनते हैं। तो मैंने वही बनाए हुए हैं बस, और बस अब ये काम करेंगे थोड़ा सा। हमने बहुत मुश्किल है एक हाथ से कुछ, अगर आप मतलब अकेले ब्लॉग्स बनाते हो ना तो दैट्स रियली हार्ड एक्चुअली। तो मैंने दिखाई तो हम डाल रहे हैं अपना दूसरा पैकेट। गाइस हम लोग तीन लोग खा रहे हैं, क्योंकि और हम ज़्यादा पैकेट इस वजह से खा रहे हैं क्योंकि हमने मतलब प्रॉपर डाइनर करना है अभी। इसको डिस्कार्ड करेंगे, ये सॉसेज हमारी एक बॉल में निकल आई हैं। तो चलें जी नेक्स्ट काम करते हैं। हम तीन लोग खा रहे हैं, मतलब प्रॉपर हमने डिनर करना है, तो हमने 5 पैकेट यूज किए हैं। अगर आपने वैसे खाना है एक बंदे के लिए 1 पैकेट इज इनफ। इसको आराम से देखें, मिक्स कर लें। गाइस जब मैं फातिमा थी तो एक दफ़ा अपने रानों के घर रहने आई थी, तो मैंने फर्स्ट टाइम खाला के साथ वहाँ पर ट्राई किए थे ये, और ये बहुत मज़े का था। इट्स बिन 6 to 7 ईयर्स। यस, और अब हम दोबारा अब खाने लगे हैं इसको, तो देखते हैं बस मज़े का तो ये हो गई है। देखें सॉसेज और ये मसाला ना सारा एक जगह पे कर लिए, फिर बनाना बहुत इजी है बार बार एक एक पैकेट खोलने से। गाइस लें जी फ्रेंड्स, बस अब नूडल्स बॉईल होते हैं उसके बाद इसको हम बनाते हैं, ठीक है। चलो ऐसे मैं इसको मिक्स कर रहे हैं। इट्स योर चॉइस, आप करना चाहते हो तो कर लो। जो चिली ऑयल है ना दैट्स माई फेवरेट पार्ट। गाइस ये बहुत वियर्ड लग रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस देखिए इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना, इट्स गिविंग स्ट्रेंज वाइब्स। लेकिन इसकी खुशबू भी इतनी अच्छी नहीं आ रही, लेकिन वो तो हमें नूडल के साथ ही बता रहेगा इसका टेस्ट कैसा होता है। मैं ऐसा करने में ट्राई करी, और जो इसमें फ्राइड अनियंस हैं दे आर रियली गुड। कुछ लोग ना मतलब हमने इसका कप वाला भी खाया हुआ है एंड दैट वाज गुड, लेकिन मैंने गलती है कि मैंने इसको पहले ही डाल दिया फ्राइड अनियंस को, एंड दे वर सॉगी। फिर भी अच्छे लग रहे थे, लेकिन अगर मतलब वो ना गर्म से तो वो सॉगी नहीं होने का होने वाला, तो फिर अगर आप उसके बाद में डालें ना दैट वुड बी मोर नाइस। चले अभी हमारे बॉयल आ चुका है, तो देखें गाइस देखें अब हम कर रहे हैं अपनी फ्लेम लो, क्योंकि जो नूडल्स होते हैं ना, अगर आप रामेन लवर्स हैं तो फिर ना नूडल्स जल्दी बन जाते हैं, क्योंकि वो पतले होते हैं। जो रामेन होते हैं वो देर लेते हैं, बिकॉज दे आर लाइक उनका जो साइज़ है वो बहुत थिक होता है। इसको आप आराम से अच्छी तरह मिक्स करते जाएं, तो देखिए आराम आराम से थोड़े थोड़े से रेडी होना ये शुरू हो चुके हैं। फातिमा बलून फाड़ने की कोशिश कर रही है, फट गया है ना, और धानिया डर के भाग रहा है। इस बाहर ना बहुत गर्मी और पानी भी गर्म आता है, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी होती है। बस
गाइस देखें नूडल्स को लो फ्लेम पे कर दें उनका, देखें दे आर एक्चुअली डन। ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। इसको बस थोड़ा स्ट्रेन करना मुश्किल होने वाला है, वो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि देखिए पानी बहुत ज़्यादा है। गाइस आर नूडल्स आर डन, लुक एट देम, बहुत ही यम लग रहे हैं। नूडल लवर्स कमेंट्स में आ जाएं। ये देखें फ्रेंड्स नूडल्स हमारे हो चुके हैं, अब हम इनको निकालेंगे। आ जाओ जी, लें जी फ्रेंड्स ये नूडल्स हमने निकाल लिए हैं। और वो देखिए पीछे ये बर्तन धो के रखे हुए हैं, बर्तन तो पूरा दिन वैसे ही खत्म नहीं होते, धो धो के हाथ खराब हो गए हैं, बर्तन वो जुड़ते हैं कि क्या बंदा करे। चलें जी अब हम ये थोड़े से इनका पानी निकाल लेते हैं, साफ पानी से इनको एक दफा धो लेते हैं, उसके बाद बनाते हैं नूडल्स, मजे मजे के नूडल्स। थोड़ी देर हम अपने नूडल्स को मिक्स करेंगे, उसके बाद हम अपना वो मसाला डालेंगे। उसमें मैंने थोड़ा सा चिली ऑयल भी डाला है, इट्स योर चॉइस अगर आपने डालना हो या ना डालना हो। गाइस देखिए हमारे नूडल्स की लुक, शक्ल तो बहुत प्यारी लग रही है और खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। दे आर डन गाइस, नूडल एक दफ़ा हाई फ्लेम पे भी पका लिए एंड लुक एट देम, दे लुक सो डिलीशियस। चलें जी फ्रेंड्स हम इनको अब निकालते हैं। और ये देखें ये वही प्लेट जो हमने अनबॉक्सिंग की थी ना अपनी होम सेंटर वाली प्रोडक्ट्स की, ये वही प्लेट है और बहुत अच्छी डीप प्लेट है ये। चलें जी ले जी फ्रेंड्स बर्तनों में मज़ीद इजाफा, नूडल्स खाते हैं उसके बाद धोएंगे बर्तन। बर्तन तो मैं कहती हूँ पूरा दिन वाकई ख़त्म होने का ना नाम नहीं लेते, सच्ची में उठने की देर है सो के उठ के बस, नाश्ते से शुरू हो जाओ नाश्ता और सोने तक फिर बर्तन। चलें जी फ्रेंड्स रिमल करिए सबसे पहले ट्राई हमारा ये हॉट एंड स्पाइसी नूडल्स। और रिमल कैसे हैं? बहुत मजे के। मजे के? द स्पाइस किक्स इन, बहुत मजे के। क्योंकि हम आपको बताया कि सिर्फ एक फ्लेवर खाते हैं ना नूडल्स का, तो उसके बाद अब हम ये ट्राई करने लगे हैं। तो चलें जी ठहरें जी, चलो रिमल खाओ और बताओ मजे के। चलो जी मैं भी ट्राई करती हूँ और फिर बताते हैं। चलें जी खाना ट्राई देम। बहुत मजे के, शक्ल ही आगे अनियन, जो फ्राइड अनियन है ना इतना मजे का फ्लेवर दे रहा है, बहुत मजे का है, बाकी बहुत अच्छा है, मतलब दोबारा खाया जा सकता है, अच्छा है। यस सो मीगो ने ट्राई किया था, वो भी वाइट पैकेट में आता है लेकिन दैट वाज नॉट सो गुड। गाइस दोस्तों मेरे ओपिनियन में आई थिंक मीगोरन ज़्यादा अच्छा था, मुझे लगा, खाला को नहीं लगा, मम्मा को भी नहीं लगा, लेकिन दैट वाज आल्सो रियली गुड, बेस्ट चिकन फ्लेवर ही है, चिकन स्पेशल चिकन, नॉट चिकन, वो भी मज़ा था। व्लॉग हमारा जैसे होते हैं वैसे नहीं था, एक सिंपल सा व्लॉग था जिसमें हमने सिर्फ नूडल्स बनाए, हमने उसका रिव्यू दिया। तो तब तक के लिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और दिए हमें इजाज़त, और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट कीजिएगा आपका फेवरेट नूडल कौन सा है, डिफरेंट आप मतलब हर किसी की अपनी चॉइसेस होती हैं और उनका मतलब उनको डिफरेंट चीज़ें पसंद होती हैं, तो आपको कौन सा सबसे अच्छा लगता है। मुझे पर्सनली अगर आपने कभी शिन रामेन ट्राई किया हो दैट्स आल्सो गुड, लेकिन जो स्टिर फ्राई होते हैं आई लाइक दैट मोर, लेकिन पता नहीं अब आपको कौन से पसंद है, तो कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हाफिज़। सबसे पहले जब हमने फर्स्ट बाइट ली तो नूडल्स का मतलब बहुत डिफरेंट, उसके बाद जब खाना शुरू किया बहुत ही बुरा फ्लेवर, बाकी बहुत बुरा। और अभी मुंह का टेस्ट बेटर करने के लिए चॉकलेट खा रहे हैं, बर्तन ही गंदे किए, बैठे बर्तन धो रहे हैं, ये देखें धुल गए, बर्तन ही गंदे किए, नूडल्स का फ्लेवर तो इतना गंदा निकला।